हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू फास्ट एंड टेक रिव्यू। गाइज, ये है इंडिया की सबसे पॉपुलर और अफोर्डेबल पैसेंजर वैन मारुति सुजुकी इको, और आज हम करेंगे इसकी फास्ट एंड टेक रिव्यू। इस मिनी वैन के साथ 4 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, दैट इज पैसेंजर वैन, एम्बुलेंस केयर, कार्गो वैन एंड स्कूल वैन वेरिएंट। इसे पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था और ये इसकी 2022 की 6th जनरेशन वेरिएंट है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 5,10,000 रुपीज से स्टार्ट होती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 8,13,000 यानी 8,13,000 रुपए रखी गई है। ये इसकी टॉप मॉडल इको एम्बुलेंस केयर है। बहुत कुछ और भी करूंगा डिस्क्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल की, तो नीचे ब्लैक बम्पर के साथ फॉग लैंप्स, प्लेसमेंट फ्रंट रेडिएटर ग्रिल और नंबर प्लेट प्लेसमेंट के साथ सेंटर में सुजुकी का क्रोम लोगो और यहां हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प एंड पायलट लैंप विद टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ऊपर एम्बुलेंस की स्टिकरिंग के साथ डुअल वाइपर्स और पिकॉन विद साइरन दिया गया है। बात करें साइड प्रोफाइल की, तो यहां व्हाइट ग्लास विंडोज, एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट डिकल, साइड इंडिकेटर और मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स दिए गए हैं। बात करें डायमेंशंस की, तो इसके साथ 3675 mm लेंथ, 1475 mm विड्थ और 1930 mm हाइट के साथ 2350 mm व्हील बेस दिया गया है। यह 13-inch स्टील एलॉय व्हील्स विद फ्रंट टायर डिस्क ब्रेक। इसके अलावा रियर प्रोफाइल देखें, तो यहां सुजुकी का लोगो, एम्बुलेंस की स्टिकरिंग, रियर विंडो विद लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप और नीचे ब्लैक बम्पर के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहां टेल लाइट असेंबली और इको की क्रोम बैजिंग दी गई है। बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो इको के साथ डुअल एयर बैग्स, ABS, EBD, स्टीयरिंग लॉक, साइड इंपैक्ट बीम्स, विंडो चाइल्ड लॉक, रियर पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। बूट डोर ओपन करने पर आपको दिखेगा मोनोब्लॉक स्ट्रेचर, डुअल LED लाइट्स, हैंडल बार और हुक्स के साथ फर्स्ट एड किट एंड नर्सिंग किट बॉक्स। इसके अलावा पैसेंजर साइड डोर ओपन करने पर आपको दिखेगा चाइल्ड लॉक, अटेंडेंट सीट और मैनुअल विंडो कंट्रोल। बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की, तो इसमें हैंडल बार, मैनुअल विंडो कंट्रोल और डोर ओपन लीवर दिया गया है। ये स्लाइडिंग विनाइल ओबोस्ट्री विद हेडरेस्ट, नीचे कार कंट्रोल पैडल्स और यहाँ बोनेट ओपन लीवर, हेडलाइट लेवलर, पिक एंड लाइट बटन एंड AC वेंट दिया गया है। सेंटर कंसोल देखें, तो यहाँ मैनुअल हैंडब्रेक, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और आगे स्पेस के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद एम्पलीफायर, माइक एंड स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट सेंटर कंसोल में 12-volt पोर्ट, स्पेस, AC यूनिट विद हीटिंग और डुअल AC वेंट दिया गया है। लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में स्पेस, AC वेंट और ग्लव बॉक्स विद लाइट दिया गया है। ऊपर मैनुअल IRVM, रीडिंग लाइट और सन वाइजर्स दिए गए हैं। यह 3-spoke स्टीयरिंग व्हील, इसमें सुजुकी का लोगो और हॉर्न बटन दिया गया है। इसके नीचे वाइपर एंड लाइट कंट्रोल स्टॉक दिया गया है। यह डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टर्न इंडिकेटर और हेडलाइट इंडिकेटर जैसे सभी बेसिक रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। बात करें इसके इंजन भी की, तो इको के साथ 1200cc इनलाइन 4 सिलेंडर सुजुकी K12N पेट्रोल इंजन है, जो 79 हॉर्स पावर और 104 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें 19 km/l एवरेज के साथ 32 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। सो गाइस, ये थी मारुति सुजुकी इको एम्बुलेंस केयर वेरिएंट की फास्ट एंड टेक रिव्यू। आपको कैसी लगी ये इंडियन वैन कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।